नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। बिहार में नीतीश सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किए। इसमें सिर्फ जदयू के प्रत्याशियों को ही मंत्री बनाया गया। इसमें भाजपा लोजपा सहित एनडीए को दूर रखा गया। रविवार 2 जून सुबह 11:30 बजे पटना के राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने सभी 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। बता दें कि 243 सदस्यीय विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 36 मंत्री होते हैं। नीतीश सरकार की मंत्रिमंडल में आज जदयू के 8 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाया गया। जदयू कोटे से संजय झा, नीरज कुमार, रामसेवक सिंह, लक्ष्मेश्वर राय, नरेंद्र नारायण यादव, श्याम रजक, अशोक चौधरी, बीमा भारती को आज शपथ दिलाया गया। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के कई विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुए मंत्री पद को भरने के लिए सीएम नीतीश कुमार मंत्रिपरिषद का विस्तार करने के बाद बताया कि मंत्रिपरिषद का विस्तार करना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि विभाग अधिक है और मंत्रियों की तादाद लगातार नीचे गिर रही है। यही कारण है कि विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना आवश्यक हो गया था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि करीब 9 पद खाली थे और अधिकतर जदयू कोटे के मंत्रियों का पद खाली था, इसलिए मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में सफाई देते हुए बताया कि बिहार में एनडीए में कहीं कोई विवाद और मनमुटाव नहीं है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले में सभी विधायक जदयू से है। मंत्रिमंडल में भाजपा के किसी विधायक को जगह नहीं दिया गया। वहीं अगर बात करें कि किन मंत्रियों को क्या विभाग मिला है, तो संजय झा को सिंचाई मंत्रालय, अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री, नीरज कुमार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बीमा भारती को गन्ना उद्योग विभाग, रामसेवक सिंह को समाज कल्याण मंत्री, श्याम रजक को उद्योग मंत्री, नरेंद्र नारायण यादव को विधि विभाग, लक्ष्मेश्वर राय को आपदा प्रबंधन विभाग का जिम्मेदारी सौंपा गया है। ये 8 नए मंत्रियों का विभाग है। इसके साथ ही और भी पहले से मौजूद मंत्रियों के विभाग में भी उलट फेर किया गया है, जिससे बहुत सारे मंत्रियों का विभाग बदल गया है। वहीं इसको इस तरह से देखा गया कि मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार को जगह नहीं मिलने के कारण एक सीट पर बात नहीं बनी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उसके ठीक तीसरे ही दिन जेडीयू को बिहार में मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसमें 8 जेडीयू विधायक शामिल थे। बीजेपी एलजेपी मतलब एनडीए गठबंधन को इसे दूर रखा गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।